हेलो रकमान इब्राहिम जी दोस्तों, मैं ऊंचा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टाइम स्पेंड विद बर्ड। दोस्तों ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज जो है वो मेरे पास फूड ख़त्म हो गई थी बजट के लिए, तो घर में रोटी पड़ी हुई थी और अमरूद पड़ा हुआ था और साथ इसके डबल रोटी जो है वो घर में पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो मॉर्निंग के टाइम जो है वो बजाय कि हम फीड दें, बाज़ अवकात फीड ख़त्म हो जाती है तो पता नहीं चलता, तो बजाय कि इनको बजीज को कुछ देर भूखा रखें तो बेहतर था। यही सोचा मैंने कि इनको जो है वो रोटी के टुकड़े पड़े हुए तो उनको भिगो कर जो है वो मैं अब अपने बजीज को जो है वो दूंगा। तो ये रोटी के टुकड़े जो है मैंने कुछ देर पानी में भिगो दिए थे, तो ये बजीज जो है बड़े शौक से खाते हैं। इसमें प्रोटीन और कैल्शियम जो है वो बॉडी मिकदार में होता है। तो आपके पास अगर बाज़ औक़ात खुराक ख़त्म होती है या ना भी ख़त्म हो, ये रोटी के टुकड़े जो है वो अपने बर्ड को लाजमी दिया करें। साथ डबल रोटी जो है इस तरह चूरा करके आप देंगे तो मैं अपने तमाम बर्ड्स को जो देता हूँ कि जो बर्ड जो ब्रीडिंग कर रहे हैं उनके बच्चे जो है वो इसको बड़ी आसानी के साथ जो है वो हज़म कर लेते हैं। ज़ाहिर है जब बड़े जो मेरे परिंदे हैं वो इन्हें खाएंगे तो फौरन जो है वो अपने बच्चों को जो है वो खुराक खिला सकेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी जो है वो इसको दबा लेंगे और अपने बच्चों को खिलाएंगे और उनके बच्चे जो है वो ये सॉफ्ट फूड जो होती है ये बड़ी जो है जल्दी इसे हज़म कर लेंगे। इससे जो है आपके जो बर्ड के जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, उनकी नशोनुमा जो है वो अच्छी होती है। तो साथ में जो है वो फल के तौर पर जो है वो मैं इसे अमरूद काट कर जो है वो दूंगा। तो क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो आजकल जो है वो बर्ड जो है अमरूद बहुत ही शौक से खाते हैं। जो आप अपने जो है जो घर में आप लेकर आते हैं फल, अमरूद है या एप्पल है या कई और दूसरे फल हैं, तो आप उनको अपने बर्ड को जो है वो लाजमी दिया करें। तो इस तरह जो है आप अपने बर्ड को लो बजट में आप उसे आसानी के साथ जो है वो अच्छी खुराक और अच्छी जो है वो जो है उनको फीड दे सकते हैं। अगर बाज़ औक़ात अगर आपके पास खुराक ख़त्म हो गई है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह घर में इस तरह की चीज़ें तो लाजमी पड़ी होती हैं, तो आप उनको आसानी के साथ बिना झिझक दे सकते हैं। ये बर्ड जो है बजी ख़ासतौर पर जो है वो बड़े शौक से खाते हैं। ये देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त लग रही है देखने में, बहुत हेल्दी फूड लग रही है ये। तो इंशाल्लाह ये बजी जो है कुछ ही देर में जो है ये पूरी ट्रे का जो है वो सफाया कर देंगे। तो आप भी जो है इसमें अमरूद ख़ास तौर पे जो है फल के तौर पर आप इन्हें अपने बजीज को लाजमी दें। इसके अलावा डबल रोटी है, रोटी के टुकड़े हैं और साथ अगर कोई ग्रीन फूड में कोई अंगूर के पत्ते, जैसे मैंने बेल लगाई हुई है अंगूर की, तो उसके पत्ते भी जो फ्रेश पत्ते होते हैं वो भी आप काट कर दे सकते हैं। तो इसके अलावा धनिया पुदीना जो है मैंने घर में लगाया हुआ है, तो वो भी ग्रीन फूड के तौर पर आप अपने बजीज को दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे जो है वो अच्छी प्रोग्रेस करेंगे, अच्छी ब्रीडिंग प्रोग्रेस होगी उनकी और उनके जो बच्चे जो हैं वो भी हेल्दी होंगे और जल्द ही जो है वो अपने घरों से जो है वो तंदुरुस्त तोहाना बाहर निकलेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि मेरे जितने भी बजीज हैं वो माशाल्लाह उनके कलर, उनके परों के कलर बहुत ज़बरदस्त हैं। और अगर मैं इनको फीड देता था तो मेरे बजीज के जो पर थे वो उतर रहे थे, तो मैंने इनको जो है वो मिक्स फीड के साथ साथ धनिया पुदीना और रोटी के टुकड़े जो है या डबल रोटी जो है वो मैं इनको दे रहा हूँ, ताकि बजी जो है वो एक ही वो हर वक्त हर रोज़ एक ही खुराक खाकर जो है वो तंग आ जाते हैं। तो इनकी जो खुराक की जो टेस्ट है, खुराक की जो जो इनकी जो इनको मुख्तलिफ किस्म की खुराक चेंज करके देंगे तो ये बजी बड़े शौक से खाएंगे और ब्रीडिंग प्रोग्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा इनमें अच्छी होगी। जैसे कि हम जो है वो एक ही खुराक खा कर जो है तंग आ जाते हैं, इसी तरह बर्ड्स के साथ भी ऐसा ही होता है। तो आप अपने बर्ड्स को मुख्तलिफ किस्म की जो है वो खुराक इन दिया करें। हफ्ते में जो है शेड्यूल बना लें कि 2 दिन जो है आपने मिक्स फीड देनी है और उसके बाद 2 दिन जो है वो ग्रीन फूड देना है या सॉफ्ट फूड देनी है, या इसके अलावा जो है कॉर्न दे सकती है। तो इस तरह जो है आप अपने बजीज को जो है इस तरह की फीड जो है वो दिया करें। ये देख रहे हैं ये बहुत ही जल्द जो है ये बजीज ये खुराक जो है वो अच्छी तरह जो इसको खाएंगे और ये शाम तक जो है इसको
हज़म करेंगे। ये सुबह के टाइम जो है ये खुराक अगर आप इस तरह की बनाकर खिलाएंगे तो आप अपने परिंदों के लिए सिर्फ एक ही टाइम जो है वो खुराक देना पड़ेगी। संडे का दिन था तो मैंने ना इनको एक ही दफ़ा जो है वो सारी फीड, उसमें पल भी हैं, उसमें धनिया है, पुदीना है और जो मिक्स फीड है वो बनाकर दे दी है। अब शाम में जो है इनको मैं सिर्फ मिक्स फीड थोड़ी सी डालूंगा, तो ये मेरा आज के दिन का जो है वो गुजारा बहुत अच्छे से ये कर लेंगे। जी दोस्तों, अगर आपने बर्ड रखे हुए हैं तो उनकी केयर करना जो है वो आप पर लाजमी है। आप अपने बर्ड की केयर करें, उम्मीद है कि आपके बर्ड जो हैं वो हमेशा इसी तरह हेल्दी रहेंगे और उसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी जो है वो अच्छी रहेगी। जी दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर कोई बर्ड्स के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप कमेंट्स में अपना जो है वो सवाल कर सकते हैं या अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, अपने तजर्बे से जो है वो आगाह कर सकते हैं। क्योंकि ये इस तरह के जो बर्ड लवर होते हैं वो एक दूसरे को एक दूसरे के तजुर्बों से ही फ़ायदा उठाते हैं, एक दूसरे के तजुर्बों से ही मुस्तफ़ीद होकर अपने बर्ड्स की हिफाजत करते हैं कि उनको बर्ड्स को किस मौसम में क्या देना चाहिए, अपने बर्ड्स को किस मौसम में जो है अगर कोई बीमारी है तो उनको किस तरह उसका इलाज किया जाना चाहिए। तो जितने भी बर्ड लवर्स हैं वो ये जो यूट्यूब पर जो वीडियो बनाकर जो शेयर करते हैं, तो बहुत ही जो नए जो यूट्यूबर्स हैं, जो बर्ड लवर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। उनसे सीखते हैं और अपने बर्ड्स की अच्छे तरीके से केयर कर सकते हैं। जी दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, टाइम स्पेंड विद बर्ड्स को, और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।